ये पेंटिंग देखो मीनाक्षी, और इसके बारे में बताओ, तुमको ये पेंटिंग पता है क्या, कौन सी है? इट्स बाय डेविड हॉकनी। ये पेंटिंग में बेसिकली दो आदमी हैं, एक नहा रहा है और एक स्विमिंग पूल में उस आदमी को नहाते हुए देख रहा है। इसकी जो खास बात है कि ये किसी लिविंग आर्टिस्ट का सबसे महंगा बिकने वाला पेंटिंग है। ये भी नीलाम हुई है 100 मिलियन डॉलर में। तो पैसे को छोड़ देते हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक आर्टिस्ट पैसे को कैसे देखता है, मतलब हाउ आर्टिस्ट डील विद द मनी। At the initial level, I guess money is more about the survival. At the mid level, it is more about acknowledgement. And at the highest level, it is like you need to worth me instead of the painting. So the worth of the painting is equivalent to the worth of the artist. Did I make myself clear? Okay. ऑल्सो कि कई बार भाई कई आर्टिस्ट होते हैं जिनको रिकॉग्निशन बहुत देर से मिलता है, तो उससे कैसे डील करता है आर्टिस्ट? That's a tricky question. Some people, once they are recognized, I don't think even money or pricing is in their hand. It goes in the hand of the collectors or the like Sotheby or these big auction houses. They price it, and I'm not sure how much is the percent that an artist gets. So the money gets tricky, I mean the pricing gets tricky at that अभी कल कोई सवाल पूछा था, इससे मुझे याद है, हमको भी नाम याद नहीं है उस आर्टिस्ट का। रिकॉग्निशन की जो बात है कि एक रशियन आर्टिस्ट थे, न्यूयॉर्क बेस्ड थे और 60 साल के हो चुके थे, अपना काम कर रहे थे। तो एक इंडियन आदमी जो कर्नाटक में कहीं पे, वो कृषि वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने वो काम देखा, उनको बड़ा पसंद आया, उन्होंने वो काम उठा लिया। शिकागो में वो देखे उनका काम, उनके बेटे के पास वो उठा के चले गए लंदन, लंदन में उसमें क्या नाम है, नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में जाकर उन्होंने कहा यार इनका काम किसी को दिखाइए एक्सपर्ट को, वो लोग मना कर दिए। वो हल्ला मचाने लगा वो आदमी, लेकिन हमको दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो फाइनली उन्होंने एक दूसरी गैलरी में भेजा जहाँ पे उस तरह के आर्ट के एक एक्सपर्ट थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार तो बहुत कमाल का काम है, ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। तो कहा नहीं, इसको कोई नहीं जानता है। तो ये है कि जो